जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो होने वाली है कामिका एकादशी पर। कब है कामिका एकादशी? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण समय और व्रत कथा के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप पहली बार स्पिरिचुअल ज्ञान पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित एकादशी व्रत रखने से जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस शुभ दिन पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन इस वर्ष मलमास लग जाने की वजह से साल में 26 एकादशी होंगी। पांचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पांचांग के अनुसार वर्तमान समय में चातुर्मास चल रहा है, जिसका अर्थ है कि 4 महीने भगवान विष्णु योग निंद्रा में रहेंगे। लेकिन चातुर्मास की अवधि में पूजा पाठ, व्रत इत्यादि का विशेष महत्व है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को कुयोनी प्राप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा सावन मास का प्रथम एकादशी तिथि का व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व। कामिका एकादशी 2023 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 जुलाई 2023 को शाम में 5:59 से हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। पारण समय रहेगा 14 जुलाई को सुबह 5:33 से लेकर 8:18 तक। कामिका एकादशी व्रत का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही एकादशी व्रत के दिन विधिवत पूजा पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर दान धर्म का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या वस्त्र का दान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विशेष दिन पर तुलसी पूजन का भी महत्व है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कामिका एकादशी का पूजा अनुष्ठान। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सभी अनुष्ठान शुरू करने से पहले पवित्र स्नान करें। नहाते समय भक्तों को यानी कि साधक को विशेष रूप से एकादशी के दिन साबुन और बॉडी वॉश का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर क्षेत्र को साफ करें और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखें। एक दिया जलाएं और भगवान को सुंदर फूलों, वस्त्रों और आभूषणों से सजाएं। मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसलिए बेहतर होगा कि एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी से पत्ते लेकर के ठंडे पानी में रख दें। एकादशी के दिन भक्तों को किसी भी प्रकार के चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोनों समय भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुबह की पूजा में एकादशी कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। सात्विक भोग प्रसाद चढ़ाएं और परिवार के सदस्यों में बांटें। फल, दूध से बनी चीजें और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोलें। अब बात करेंगे कामिका एकादशी का महत्व और इसकी कथा के बारे में। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है?
इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है,
उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महामात्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। श्री हरि। साधक को चाहिए कि जब भी उसे समय मिले तो निम्न मंत्रों का जाप मन ही मन एकादशी व्रत वाले दिन करता रहे। सबसे पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीसरा मंत्र है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। चौथा मंत्र है राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस मंत्र का जाप करने से विष्णु सहस्र नाम का जाप करने के समान फल की प्राप्ति होती है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।